अभी तक आपने कई तरह की बंदूकें देखी होंगी और उनके बारे में सुना होगा। टेक्नोलॉजी के इस युग में दुनिया भर में एक से बढ़कर एक बंदूक बनाई जा चुकी है, जिसकी मारक क्षमता इतनी अधिक है कि कोसों दूर बैठे दुश्मन को भी ढेर किया जा सकता है। आज हम DRDO द्वारा विकसित ऐसी बंदूक के बारे में बताएंगे जिसकी गोली के सामने बुलेट प्रूफ जैकेट के परखच्चे उड़ जाते हैं। बंदूकों की गोली से बचने के लिए दुनिया भर में कई तरह के बुलेट प्रूफ जैकेट बनाए गए हैं। साथ ही वैज्ञानिकों द्वारा और भी उन्नत किस्म के बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने पर रिसर्च चल रहा है। इस जैकेट का इस्तेमाल युद्ध के मैदान में या फिर पुलिस द्वारा किए जा रहे किसी ऑपरेशन में किया जाता है, ताकि गोली लगने पर भी उनकी जान को कोई खतरा ना हो। इसके अलावा सेना और VIP लोगों जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की गाड़ियों में बुलेट प्रूफ शीशे लगे होते हैं, जो गोलियों का वार झेलने में सक्षम होते हैं, जिसके चलते इन VIP लोगों की जान को खतरा नहीं होता है। अब हम बात करते हैं भारत में बनी उस बंदूक की जिससे चली गोली किसी भी बुलेट प्रूफ जैकेट को भेज सकती है। इसका वार इतना तेज है कि ये बुलेट प्रूफ शीशे को भी भेज सकती है। कानपुर में स्थित स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री में बनी ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्टिव कार्बाइन को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने विकसित किया है। ये 5.56x30 mm कार्बाइन इतनी पावरफुल है कि 100 मीटर की दूरी पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहने इंसान को आसानी से ढेर कर सकती है। इतना ही नहीं, सॉफ्ट आर्मर की 23 लेयर बुलेट प्रूफ जैकेट को ये कार्बाइन भेजने में सक्षम है। DRDO द्वारा विकसित ये कार्बाइन पहले बनने वाली कार्बाइन से काफी एडवांस है। इसका वजन करीब 3 किलोग्राम के बराबर है। ये कार्बाइन 1 मिनट में 800 राउंड फायरिंग कर सकती है। इसमें 30 राउंड की मैगजीन लगती है जो पूरी तरह से स्टील की बनी होती है। DRDO के वैज्ञानिकों के अनुसार ये कार्बाइन 3.5 मिलीमीटर मोटी माइल्ड स्टील को भी 100 मीटर की दूरी से भेद सकती है। कार्बाइन की खास बात यह है कि लगातार गोलीबारी के दौरान इसे आराम से संभाला जा सकता है। कम वजन होने के चलते ही इसे एक हाथ से भी चलाया जा सकता है। इस कार्बाइन को लेकर आराम से दौड़ लगाई जा सकती है, खासकर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उग्रवाद और आतंकवाद के नियंत्रण संबंधी परिचालनों के लिए इस कार्बाइन को विकसित किया गया है। कार्बाइन का निर्माण कानपुर की आर्म्स फैक्ट्री में किया जा रहा है, जबकि इसका गोला बारूद किरकी पुणे में तैयार किया जाता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।